वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ डम डॉग के एंटी एक्ने फेस वॉश का रिव्यू। ये जो फेस वॉश है ये मेरे को बहुत टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट करे कि इस फेस वॉश का मैं रिव्यू शेयर करूँ। तो रिक्वेस्ट से पहले मुझे खुद को भी ट्राई करना था क्योंकि मेरे फेस पे पिम्पल्स आ रहे जा रहे इस टाइप से हो रहा था। तो मुझे एक ऐसा फेस वॉश चाहिए था जो मेरे स्किन को थोड़ा बैलेंस में रखे, मेरे पिम्पल्स को थोड़ा सा हील करे। इसे आपको पर्पल हॉल में बताया था, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने वहां से मंगवाया है पर्पल से, एंड डम डॉग के प्रोडक्ट्स आपको purple.com पे ही मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपको ये सच में ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कैसा है, ये एंटी एक्ने फेस वॉश वर्क करता है कि नहीं करता है, सारी चीजें बताऊंगी जो भी इसके अच्छी बातें हैं बुरी बातें हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट हम इसकी पैकेजिंग से स्टार्ट करते हैं। आपको इस तरह के कार्डबोर्ड पैक में मिलता है। पता नहीं, मैंने इस बार अपने जितने भी प्रोडक्ट्स लिए हैं सबके मैंने कार्डबोर्ड पैकेजिंग को बहुत ही ज्यादा संभाल के रखा है। अदरवाइज इतना ज्यादा मैंने प्रोडक्ट को यूज किया है अब तक, तो मैं लाइक इसको फेंक देना चाहिए था, बट फिर भी मैंने इसे नहीं फेंका है। तो इस तरीके की आपको कार्डबोर्ड पैकेजिंग में मिलता है, एंड इसकी जो एक्चुअल पैकेजिंग है आपको इस तरीके के पंप पैक में मिलता है, जो कि बिल्कुल भी ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है क्योंकि इस तरीके की जो पंप पैकेजिंग होती है आप उसको लॉक नहीं कर सकते। बट हाँ, ये है कि अगर आप घर पे यूज करते हैं तो यूज करने के लिए बहुत ज्यादा इजी रहता है इस तरह के ये पंप पैकेजिंग में। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आपको टू साइजेस अवेलेबल हो जाएंगी। एक आपको मिल जाएगा 120ml का पैक, एंड दूसरा आपको मिल जाएगा 200 वाला पैक। तो मैंने लिया था 200 वाला पैक क्योंकि मुझे और मेरे भाई को, दोनों को, मेरे भाई को तो वैसे ही पिम्पल प्रोन उसकी स्किन है तो मुझे उसके लिए भी लेना था, एंड मुझे खुद को भी चाहिए था। तो मैंने सोचा बड़ा वाला ही ले लेती ताकि हम दोनों यूज कर पाए, सो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया। बट आप लोग अगर ट्राई कर रहे हैं तो हमेशा आप ये ध्यान में रखिए, कोई भी नया प्रोडक्ट अगर आप ट्राई करते हैं तो हमेशा उसका छोटा वाला जो भी साइज अवेलेबल हो वो आप पहले ले लीजिए, उसके बाद उसको यूज कीजिए। सूट हो जाए तो आप बड़े वाले पैक पे इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज आपके पैसे, अगर आपको सूट नहीं हुआ तो पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट देखते देखते यार उम्र निकल जाएगी कि ये क्यों नहीं खत्म कर पा रही हूँ मैं। सो इसीलिए आप छोटा वाला पैक ट्राई कीजिए जब भी आप नया प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। इसकी प्राइस है गाइस 299 रुपीज, एंड इसमें आपको शेल्फ लाइफ मिल जाती है 3 साल की, तो आप इजीली इसे बहुत टाइम तक यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आप रुक रुक के आराम से यूज करना चाहे तो आप 3 साल तक तो खत्म ही कर लोगे इसको। सो अगर बात करूं इसकी, तो डम डॉग एंटी एक्ने फेस वॉश विद सैलिसिलिक एसिड, इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है सैलिसिलिक एसिड। डम डॉग में आपको और भी ज्यादा वेरिएंट मिल जाएंगे जो कि हाइलुरोनिक एसिड है, जिंक है, एंड आई थिंक ग्लाइकोलिक एसिड है। इस तरह की कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट वाले ये लोगों लाइक डम डॉग ने कुछ फेस वॉश एंड टोनर्स वगैरह की रेंज जो है लॉन्च की है। तो आपको नहीं पता है सैलिसिलिक एसिड किस चीज के लिए वर्क करता है, वो आपके एक्ने को ट्रीट करता है, सीबम प्रोडक्शन को रोकता है, एंड प्लस आपके पोर्स में जो ऑयल या गंदगी जमा हो जाती है जिसकी वजह से पिंपल होता है तो आपके पोर्स को क्लीन करने में हेल्प करता है। सो ये पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं वो सारे चीजें में इसमें यूज नहीं की जाती। तो बता देती है क्लेम क्या क्या करता है एंड वो सच में पूरी होती है कि नहीं होती है या हुई या नहीं हुई मेरे साथ। सो इसमें लिखा है फाइट्स एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया, एक्सफोलिएट द स्किन, रिड्यूस सीबम प्रोडक्शन, हेल्प्स अनब्लॉक पोर्स। तो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं फाइट्स एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया। सो फर्स्ट थिंग, जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज किया था ना, तो मुझे जब मैंने इसे यूज किया, मैंने इसे लाइक मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम में इसे यूज हो रही, अभी भी मैं इसे यूज कर रही हूँ, एंड मेरी स्किन ना कॉम्बिनेशन है तो मैंने इसे यूज किया था 2 से 3 दिन यूज किया ना, तो मेरे जो पिम्पल्स है ना वो ना बहुत ज्यादा रेड एंड बहुत ज्यादा दर्द वाले पिंपल, मुझे ऐसे बोल सकते हो कि मुझे बहुत दर्द होने लग गए थे मेरे पिंपल्स में, एंड उसके बाद धीरे 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 ना हल्का हल्का सा ड्राई होने लग गया था। सो इसको यूज करने के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगी, आप कभी भी इसे यूज कर रहे हो अगर आपकी इस टाइप की लाइक ऑयली या कॉम्बिनेशन या ड्राई स्किन है तो आप अगर इसे यूज कर रहे हो तो ये इमिजिएटली वर्क नहीं करता है, ये पहले आपके जो पिंपल्स है उनको ना अंदर से खराब करने की कोशिश करता है, लाइक उनको अंदर से साफ करता है, उसके बाद वो बड़े से हो जाएंगे एंड फिर आपको जो है वो थोड़े थोड़े से ड्राई होंगे एंड देन वो कम होगा। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर मैं अभी बात करूं, मैंने इसे ऑलमोस्ट 1 मंथ तक यूज कर लिया है, अभी मेरे जितने भी फेस पे जो एक्टिव पिंपल्स थे ना वो है ही नहीं। हाँ, स्पॉट्स है, वो नहीं क्लीन करता है ये, क्योंकि आप लोग कमेंट में पूछोगे ये स्पॉट्स को क्लीन करता है। गाइस, ये बिल्कुल भी स्पॉट्स को एक तिनका भी कम नहीं करेगा, लाइक आपके स्पॉट्स का कलर बिल्कुल भी फेड नहीं होगा। तो अगर पिंपल्स की बात करो तो एक्टिव पिंपल्स को ये कम करता है, एंड अगर आपके पिंपल्स बहुत पुराने भी है तो उनको भी अच्छे से वापस बढ़ा करके फिर कम करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब आप इस फेस वॉश को यूज करेंगे तो आपके थोड़े थोड़े से पिंपल्स बड़े होंगे एंड देन आपके पिंपल्स कम होंगे।
तो ये सच है कि ये पिंपल्स के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सफोलिएट द स्किन, जो कि ये बिल्कुल भी जेल बेस्ड फेस वॉश है, तो एक्सफोलिएट द स्किन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये अंदर से आपके स्किन को क्लीन करता है, जो कि एक एज अ एक्सफोलिएशन मान सकते हो आप। इसमें इस लिखा हुआ है रिड्यूस सीबम प्रोडक्शन, ये आपके पोर्स से आपके ऑयल को बहुत अच्छे से निकाल देता है एंड आपकी स्किन को बहुत ही जेंटली क्लीन कर देता है। अब लास्ट में आती है हेल्प अनक्लॉग पोर्स, जो कि अगर आपके ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये रिमूव करता है कि नहीं करता है। तो मेरे जो चिन एरिया है यहाँ पे व्हाइट हेड्स हैं, तो वो एज इट इज है, उस पर ये बिल्कुल वर्क नहीं किया है। मैं नहीं बोलूंगी व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स पे वर्क करता है, क्योंकि मेरे फेस पे इसने वर्क नहीं किया है, ऑलमोस्ट एक महीना होने लग गया है। मेरा जो फेस वॉश है वो इतना सा बचा हुआ है, इतना सा ही है एंड उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ पिंपल्स पे वर्क किया है मेरी स्किन पे, ना तो स्किन क्लीन हुई है, ना ही मेरे डार्क स्पॉट फेड आउट हुए हैं, ना ही मेरे ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स है उनको ये इसने क्लीन किया है। तो सिर्फ पिंपल्स पे वर्क करेगा जितना मेरी स्किन पे किया है, तो इतना मैं आपको बता सकती हूँ। तो ये जो फेस वॉश है गाइस ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, मैं इसे सेंसिटिव स्किन को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है एंड मेरी भाई की सेंसिटिव लाइक ऑयली एंड एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन है, उसके फेस पे बहुत ज्यादा चीजें सूट नहीं होती है। तो मेरे लिए पिंपल्स पे तो इसने वर्क किया है, लेकिन थोड़ा टाइम इसने लगाया है, अभी भी लगा रहा है। एंड मेरे भाई की स्किन पे जब मैंने इसे सूट करवाया, लाइक मेरे भाई की स्किन पे मैंने इसे ट्राई करवाया था, तो उसकी स्किन में लाइक इतना ज्यादा रैशेज हो गए थे, लाइक उसकी स्किन बहुत ज्यादा खराब होने लग गई थी। मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसे बिल्कुल ट्राई मत कीजिए, क्योंकि मैंने लाइव रिजल्ट देखा है सेंसिटिव स्किन के ऊपर। बट अगर आपकी कॉम्बिनेशन है ऑयली है या ड्राई है, या आपकी ऑयली टू पिंपल प्रोन स्किन है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बट मैं आपको ये चीज क्लियर अभी भी कर देती हूँ गाइस, अगर आपको एक्ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके एक्टिव एक्ने के लिए चाहिए, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 to 15 days बाद वर्क करता है। बात करते हैं कि आप सिर्फ इसको लोगे कि स्किन क्लीन करेगा, या बात करते हैं आप सोचोगे कि मेरे ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को क्लीन करेगा, या डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन, इनके लिए बिल्कुल वर्क नहीं करता है। क्योंकि मेरे फेस पे जो डार्क स्पॉट है ये देख सकते हैं, एज इट इज है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये एज इट इज, ये बिल्कुल भी इसमें 1% भी मैंने कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं देखी है। तो इसीलिए अगर आप इन सब चीजों को छोड़ के सिर्फ लाइक एक्ने होती है उनको ट्रीट करने के लिए लेना चाहते हो, तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट नॉट सेंसिटिव स्किन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। बाकी स्किन टाइप वाले ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेरी स्किन पे इसने कुछ भी इरिटेशन नहीं की है, बट सेंसिटिव स्किन के ऊपर की है। अब मैं इसके टेक्सचर की बात करूं, तो ये थोड़ा सा इस टाइप से रनी कंसिस्टेंसी है इसकी, एंड इसको अगर आप अप्लाई करते हैं, इसकी फ्रेग्रेंस ना हर किसी को पसंद नहीं आएगी, बट मुझे इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगी है, एंड थोड़ा सा जेल भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा रनी टाइप का है, बट बहुत ही अच्छे से लेदर हो जाता है, अच्छे से आप इसे क्लीन कर सकते हैं अपने फेस को, एंड बहुत ही अच्छे से आपके ऑयल को निकाल देता है, एंड बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं देता है, लाइक बहुत ही खिंचाव वाली स्किन हो जाती है ना, नहीं वैसे नहीं फीलिंग आएगी आपको, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, स्किन बहुत ही सिंपल हो जाएगी एकदम, एंड बहुत ज्यादा एक्सेस में लेदर नहीं बनता, एंड बहुत कम भी लेदर नहीं बनता है, बहुत इजीली आप इससे अपने स्किन को क्लीन कर सकते हैं। तो ये था गाइस मेरा आज का रिव्यू, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी और क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, जो भी मैंने फेस की है, मुझे इस फेस वॉश को यूज करते हुए कैसा लगा है वो सारी चीजें। अब बात करते हैं मुझे ये फेस वॉश कैसा लगा है, तो मुझे ये फेस वॉश बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, ये इसने मेरी स्किन को बहुत अच्छा कर दिया है, ऐसा भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे इससे थोड़ा सा होप था कि ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम जब कुछ भी एक्ने के लिए ट्रीट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक्ने के बाद जो हमारा स्पॉट होता है उसको भी ये क्लीन करे, बट ये फेस वॉश ना बिल्कुल भी आपके स्किन को क्लीन करने के साइड में नहीं जाता है, थोड़ा होप था जो कि ये पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा है। बट आप सिर्फ पिंपल्स के लिए लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन सारी चीजों को ट्रीट करने के लिए लेते हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड स्किन क्लीन करने के लिए, या फिर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट को हटाने के लिए, एंड प्लस एक्ने को ट्रीट करने के लिए, तो ये सारी चीजों के साथ नहीं वर्क करेगा, सिर्फ आपके पिंपल्स पे वर्क करेगा। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सेंसिटिव स्किन वालों को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, नॉर्मल टू ऑयली, नॉर्मल टू एक्ने, जो भी आपके एक्ने से रिलेटेड या नॉर्मल फेस वॉश चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं, या अगर आप ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाके इसकी चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, ऐसे वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड प्रोडक्ट का नेम भी मेंशन कीजिए।
कीजिएगा ताकि मैं उनका रिव्यू कर पाऊँ आप लोग के लिए। एंड आज का वीडियो पसंद आए एंड हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। अगर कोई ये प्रोडक्ट ट्राई कर रहा है तो उसको पता चल जाएगा किस टाइप का है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।